एक घना जंगल है, भीषण घना। और उस घने जंगल में, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक शेर है। और शेर ने अपने एक मित्र को कहा, मित्र तुम इतनी जोर से आवाज लगाओ, इतनी जोर से चिंघाड़ करो कि सारे पशु पक्षी जो हैं इधर उधर भगदड़ मचा के भागने लगे। तो शेर के मित्र ने बोला, हुजूर क्यों, आखिर ऐसी क्या आफत आ गई? आप तो पहले भी दौड़ा दौड़ के शिकार करते थे, अब क्या आफत आ गई? तो बोला, आज मैं थका हुआ हूं और लगी है भूख, इसलिए मुझे आज तुम्हारे चिंघाड़ने की आवाज चाहिए। तो शेर का मित्र गधा, जंगल का एक सबसे बदमस्त होशियार गधा शेर का मित्र। तो गधे ने सोचा, अरे जंगल के राजा ने मुझको मित्र बोला है तो मुझे ये जरूर करना चाहिए। और उन्होंने आवाज लगाना शुरू किया। गधे ने जोर जोर से आवाज लगाई डैचू डैचू करके, और सारे पशु पक्षी भागने लगे इधर उधर, और शेर लपक लपक के पेट भरने लगा। आवाज खत्म, पेट भर गई। शेर ने बोला, अरे मित्र क्या आवाज लगाई, ऐसे ही आवाज लगाया करो तो मुझे बिना परिश्रम के ही भोजन मिल जाया करेगा, और तुम्हारी आवाज से तो आज मैं बहुत गदगद हुआ, बहुत पसंद आई मुझे आवाज। गधे को लगा कि जंगल का शेर मेरी तारीफ कर रहा है, अच्छा बोल रहा है, तो मैं आज प्रण लेता हूं कि अब मैं अच्छा अच्छा ही काम करूंगा और अच्छी अच्छी ही आवाज लगाऊंगा। तो ये तॉल्स्टॉय साहब की कहानी है, जो शिक्षा के क्षेत्र में और खासकर राजनैतिक जो राजनैतिक सदस्य हैं, जो राजनैतिक रूप से राजनीति को निखारने संवारने में लगे हैं, ये तॉल्स्टॉय साहब ने उनकी कहानी, उनको लेकर इस कहानी को कहा है। तो शुक्रिया, आज तॉल्स्टॉय साहब की एक लघु कथा आपके सामने प्रस्तुत किया, शुक्रिया, धन्यवाद। अब ये निर्णय आप लेंगे कि आप गधे के पक्ष में हैं कि शेर के पक्ष में, या भगदड़ मचाते जंगल के पशुओं के पक्ष में। शुक्रिया, धन्यवाद, सुखी रहिए।